गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल DIY विद हारू। मैं हूँ आराधना। आज मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से हम सभी कैंडल्स बना सकते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। दिवाली आने वाली है, हम सभी मार्केट से कैंडल्स तो परचेज करते ही हैं, तो क्यों ना कुछ DIY हम लोग खुद से भी करें, वो भी घर के बचे हुए कुछ कैंडल्स से। तो चलिए आज हम सभी मिल करके कुछ कैंडल्स बनाते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग किस तरीके से घर में DIY कैंडल्स बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोम को मेल्ट करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी पुराना पैन ले लें, क्योंकि मोम की वजह से बर्तन थोड़े से गंदे हो जाते हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ पे पुराने बर्तन को यूज़ कर रही हूँ। सारे मोम को डाल दें, उसके बाद अच्छे तरीके से इसे मेल्ट होने दें। एंड उसके बाद आप कोई भी फेवरेट कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर है ये, इसे मैं डाल रही हूँ और इसे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हिलाते रहें इस तरीके से आप, ताकि मोम हमारा जले नहीं एंड हमारा जो कलर है वो अच्छे तरीके से मोम में मिल चुका है। सबसे पहले हम जो कैंडल बनाने वाले हैं उसके लिए हमें ये राउंड शेप का बेस चाहिए। ये बुक्स कॉपी को जब हम कवर करते हैं तो आखिर में ये जो बचता है वो है। उसके बाद हम इसे सिल्वर फॉयल से एक साइड हम इसे कवर कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो मोम है वो नीचे ना गिरे। एंड सेलो टेप की हेल्प से हम इसे सिक्योर कर देंगे। अब हमारा बेस तैयार है। अब हम इसमें थ्रेड डालेंगे जो हमारा बाती का काम करेगा। एंड इसके बाद हम अपना जो मोम हमने मेल्ट किया था उसे हम पूरा इसमें डाल देंगे। पहला कैंडल हमारा तैयार है। अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इधर अगेन हम मोम को मेल्ट करेंगे, इस बार थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे। साथ ही हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बनाने वाले हैं, इसीलिए आपको कुछ अलग अलग बर्तन आप ले लें एंड इस तरीके से सिल्वर फॉयल आप कवर कर देंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बर्तन है वो गंदा नहीं होगा, वरना मोम के वजह से बर्तन थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं। उसके बाद हर एक बाउल में आप अलग अलग कलर्स मिला दें। मैं यहाँ येलो कलर मिला रही हूँ, साथ ही मैं अब रेड कलर एक में डालूंगी और एक में ग्रीन एंड एक में ब्लू। उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप सब में मोम को डाल दें और उसके बाद चला दें, क्योंकि मोम हमारा गर्म है, इससे हमारा जो कलर है, ये मैं बता दूं ये क्रियॉन कलर है जो बच्चों के आते हैं, इसे आप जब मोम में डालते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। इसके जगह पे आप डिफरेंट टाइप्स के फूड कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बच्चों के क्रियॉन कलर्स मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। एंड सेकेंड कैंडल बनाने के लिए हम छोटे से ग्लास लेंगे, उस पर मैं थ्रेड को पेंसिल की हेल्प से बैलेंस कर दूंगी, ताकि हमारा ये जो बाती है वो सेंटर में रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे पहला कलर मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद ये टी कप है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, इसमें भी मैं एक कलर डाल दूंगी। ये मैं थोड़ा सा तिरछा शेप का मैं बनाने वाली हूँ, जिगजैग शेप। उसके बाद मैं यहाँ पे भी बाती को स्टैंड कर दूंगी एयरबड की हेल्प से। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तब आप इसके ऊपर अगेन फिर दूसरा डिफरेंट कलर आप इसमें डाल दें। ये भी हमारा सूख चुका है, इसमें भी अब हम दूसरे कलर को डाल सकते हैं। जब ये फिर से सूख जाए तब आप फिर इस तरीके से दूसरे कलर को ऐड करते जाएं। लास्ट मैं यहाँ पे अब रेड कलर से इसे इंट कर दूंगी एंड इसमें भी मैं अब रेड कलर ही डाल के इंट कर दूंगी एंड इन दोनों को अब हम ड्राई होने देंगे। इधर हमने जो पहला कैंडल बनाया था उसे हम इसे रिमूव करेंगे अब,
मैं इसे कैंची की हेल्प से काटते हुए मैं इसे हटा दूंगी। यह हमारा कैंडल तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा दिवाली का टचअप दे देंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा फेविकॉल है ये, इसे पूरे अच्छे तरीके से कैंडल में आप स्प्रेड कर दें इवेंटली। एंड ये है हमारा ग्लिटर जो हमारा 5 रुपीज़ पर पैकेट मिल जाता है। ये गोल्डन कलर है। अब मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से रोल कर दूंगी ताकि पूरे कैंडल में ये लग जाए। नाउ आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड अदर साइड जो हमने टी कप में जो कैंडल बनाया था उसे भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स नज़र आ रहे हैं इसमें। अब हम बनाएंगे वाटर कैंडल। इसके लिए मैंने 2 बॉल सेट ले लिया है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। आपके पास जो भी साइज़ का अवेलेबल हो आप उसे ले लें। उसके बाद हम बाती को स्टैंड करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैं ये इस तरीके का डिस्पोजल जो है उसे यूज़ करेंगे। आप प्लास्टिक को भी कट कर सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। इसे आप अपनी नीड्स के हिसाब से स्क्वायर शेप में काट लें। कुछ इस तरीके से आपको इसे काट लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी छेद कर देंगे, होल कर देंगे ताकि हमारा जो बाती है उसमें अच्छे तरीके से लग जाए और हमारा बाती स्टैंड कर सके। तो आप एक एक करके सब में छेद कर लें अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम बाती को इस पे लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। आप सभी में इस तरीके से आप इसे लगा लें। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके का स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ बेस में रखने के लिए। आप इस जगह पे कलरफुल स्टोन्स भी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देन मैं यहाँ पे अब थोड़ा पानी डाल रही हूँ। आधा पानी डालें क्योंकि हमें थोड़ा ऑयल भी डालना है। ये हमारा वाटर कैंडल तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल इसमें डाल सकते हो, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। देन जो हमने बाती बनाया था अपने मन के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको लगानी है आप रख दें। मैं 1 में 3 और 1 में 2 लगा रही हूँ। एंड इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ कुछ रोज़ पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप एक एक करके आप पानी में इस पेटल्स को डाल दें। ये सबसे इजी वाटर कैंडल है क्योंकि फ्लावर्स होते हैं जो हमारे रूम को फ्रेश भी करते हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और बहुत आसान भी होता है ये बनाने में। एंड नॉर्मली सभी घरों में पाया जाने वाला ये सदाबहार का फूल इसे कहते हैं। इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ नेक्स्ट बाउल में। थोड़े थोड़े करके सब में डाल दें, ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर का टचअप दे दे रही हूँ ताकि जब आप जलाओगे इसे तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। इट्स डन। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक ग्लास में भी आपको बना करके बता रही हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पे स्टोन्स डाल दे रही हूँ, कलरफुल स्टोन्स। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप थोड़ी सी ऑयल, उसके बाद आप बाती ऐड कर दें। एंड इसमें मैं थोड़ी सी अब गोल्डन ग्लिटर ऐड कर दे रही हूँ। हमारा ये सिंपल एंड सोबर वाटर कैंडल तैयार है। ये सभी वाटर कैंडल हमारे अब तैयार हो चुके हैं। टोपी पे नज़र डाल देते हैं हम। ये दो मैंने जो बनाया था ये वो दोनों कैंडल्स हैं। साथ ही ये कैंडल भी मेरा ड्राई हो चुका है। इसके साथ मैंने एक सिल्वर कलर का भी एक कैंडल मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इस सभी को जला करके देखते हैं।
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Through the wastelands, through the highways, and love. अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, जरूर भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।